काला जादू। गांव में सभी लोग रात को सो रहे थे और गली के कुत्ते भी सो रहे थे। तभी एक कुत्ते की आँख खुलती है, वह चारों ओर देखकर फिर सो जाता है। वही रात में गांव के पीछे एक झोपड़ी थी, जो कि एक औरत लालटेन पकड़कर उस घर की ओर जा रही थी। वह घर में जाकर वह माचिस से आग लगाकर उस मोमबत्ती में को जलाने लगती है, और फिर मोमबत्ती को जलाकर वहाँ पास एक मुर्गा भी था। वह औरत मुर्गा को देखकर ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। पास में रखी कोयले को उठाकर वह कुछ मंत्र लिखने लगी और चार नींबूओं को पकड़कर एक नींबू में अपनी उंगली को डाल दी, और फिर वह चारों मोमबत्ती के सामने चारों नींबू को रख दी, और फिर उस मुर्गे को पकड़कर और फिर उसको दोनों हाथों से पकड़कर उसका गर्दन मरोड़ दिया। वे मुर्गे को फिर वो नींबू के बीच में रख दी और आँख बंद कर मंत्र जाप करने लगी। तभी लकी के पास एक कॉल आता है। वह नींद में ही कॉल उठाता है और धीमी आवाज़ में हेलो बोलता है। तभी एक आदमी बोलता है, गाड़ी ले आओ। वह आदमी एड्रेस बताकर कट कर देता है। लकी ने घड़ी देखी तो रात के 3 बज रहे थे। वह अपनी गाड़ी को लेकर घर से निकलता है उसी एड्रेस पर। लकी उनके बताए एड्रेस पर पहुंच जाता है। वहाँ पर बहुत सारे आदमी थे। लकी उन सबको बोलता है, चलो कार पर बैठिए, और सभी कार में बैठ जाते हैं। सभी लोग कार में चुपचाप बैठे थे। गाड़ी के पीछे सीट पर एक आदमी बैठा था जो कि एकदम शांत था। तभी मोहन ने लकी को कार रोकने के लिए बोला, और मोहन कार से उतरकर पीछे से एक रस्सी को पकड़ लाया। लकी ने बोला, इस रस्सी से क्या काम है, आगे चलकर इसकी ज़रूरत पड़ सकती है। वह रास्ते में जाते जाते बहुत दूर ही आ गए थे। उस कार में बैठे सभी लोग पीछे मुड़ मुड़ कर उस आदमी को देखते रहते थे। लकी ने पूछा, क्या उसकी तबीयत ख़राब है। मोहन ने बताया कि वह थोड़ा तबीयत ख़राब है उसका। कुछ दूर आकर उन्हें एक होटल दिखाई दिया। लकी बोलने लगा, चलो आप लोग भी नाश्ता कर लो, जाओ आप कर लो, हम लोग के लिए आप ले आना। लकी ने मोहन को बोला, क्या आप कार चला सकते हैं। लकी पीछे की सीट में जाकर उसी आदमी के पास सो गया। मोहन भी कार चलाने में ध्यान दे रहा था। तभी लकी की अचानक से आँख खुली। वह देखता है वह आदमी उसे देख रहा था। लकी बहुत ही घबरा गया, वह आदमी बहुत ही डरावना लग रहा था। मोहन वह बहुत डर गया और वे सुनसान गली रोड में थे। कार में बैठे लोग मोहन को बोलने लगे, कार रोको, और मोहन रोड के साइड कार को रोका। वे उस आदमी को उस रस्सी से बांधने लगे, फिर वे कार में बैठकर जाने लगे। लकी ने पूछा, इसे क्या हुआ है। मोहन ने बताया कि इसके ऊपर काला जादू किया गया है। वह घबराकर पूछने लगा, यह कौन किया है। मोहन ने बताया कि हमें भी नहीं पता। वे सब फिर एक मंदिर के पास पहुँच जाते हैं। उन्हें उन आदमी के जैसे ही बहुत सारे वहाँ पर दिखाई दिए, और कुछ औरतें भी जिनके ऊपर भी काला जादू किया गया था, वह कर्रा रहे थे। तभी लकी की ओर एक औरत दौड़ते हुए आने लगी। मोहन यह देखकर हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगा। वह साइड में रखी एक पोल पे चढ़ने लगी। वह ऊपर चढ़कर उल्टा लटक गए और उसके साथ और भी लटक गए। लकी यह सब देखकर बहुत ही घबरा गया। लकी यह सब देखकर वह घबराकर कार की ओर भागने लगा और कार में जाकर वह बैठ गया। वे सभी आकर बैठ गए। अब वह लड़का भी अच्छा था। फिर वह घर की ओर निकलने लगे। गांव के पीछे उसी झोपड़ी में वह औरत अपने ऊपर पानी डाल रही थी, और वह बहुत ही डरावनी लग रही थी और आँख बंद कर मंत्र जाप करने लगी। मोहन रास्ते से जा रहा था। लकी भी मोहन के गांव में कुछ काम से गया था। लकी ने मोहन को बोला, अब वह लड़का कैसा है। मोहन की आँखों में आंसू आने लगी। मोहन बताया, वह अब इस दुनिया में नहीं है। एक रात वह फिर वह आपस में ही बड़बड़ाने लगा और अपने दोनों हाथों से पकड़कर अपने गर्दन को मरोड़ दिया, और वह मर गया। मोहन ने बताया कि उसकी बुआ ने ही यह सब कुछ किया था। जमीन जायदाद का मामला था, उसी की बुआ ने उस पर काला जादू किया था। मोहन यह सब सुनकर दंग रह गया। तो हेलो गाइस, मेरा स्टोरी आपको कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें।